नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आ जाऊँ वन प्लस की तरफ से वन प्लस का 11R, जो कि दोस्तों एक वन प्लस का लेटेस्ट डिवाइस है। तो आज मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा। वह दोस्तों वन प्लस के जो डिवाइस हैं, इसकी अनबॉक्सिंग काफ़ी पहले ही यूट्यूब पर काफ़ी लोगों ने कर दी है, बट फिर भी मैं दोस्तों आपके लिए वन प्लस 11R की अनबॉक्सिंग लेके आ जाऊँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं करता हूँ इस फ़ोन के KRZ की बात। तो देखिए, इसमें हमें काफ़ी अच्छे अच्छे कैमरा देखने को मिल जाते हैं, और हमें इसमें जो प्रोसेसर मिलता है दोस्तों, वो मिलता है स्नैपड्रैगन की तरफ से, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं करता हूँ उसको ओपन। वैसे ओपन तो ये कर दिया है, क्योंकि वो चेक करने के लिए मैं चेक किया था, तो कुछ इस तरह का बॉक्स आता है दोस्तों, इतना मोटा बॉक्स। तो इसमें भी कुछ नहीं है, इसके अंदर दोस्तों हमें एक बॉक्स और मिलता है। तो फिर इसको देखते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर हमें मिलती है कुछ ये किताब। सबसे पहले मिलता है दोस्तों हमें ये एक TPU केस, ट्रांसपेरेंट है दोस्तों, अच्छी क्वालिटी ज़्यादा नहीं है, बट ये है कि आपका काम चल जाएगा कुछ दिनों के लिए। और ये दोस्तों इसकी सिम इजेक्टर पिन है दोस्तों इसकी। जी हाँ दोस्तों, इसका कुछ स्टिकर वगैरह, और यह है रेड केबल, क्लिप कार्ड, इसको आप सेटअप वगैरह कर सकते हो इसकी वेबसाइट पे जाके। और जी हाँ दोस्तों, कुछ इसमें डॉक्यूमेंट्स जिनके बारे में आप इसके बारे में आप इनमें जान सकते हो वन प्लस के डिवाइस के बारे में, और इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं है। जो दोस्तों वन प्लस की जो इजेक्टर पिन है दोस्तों, यहाँ पर लगे आती है, बट वो निकल गई होगी, तो वो इसलिए यहाँ पे दिया गया है तरीके से। तो चलिए इनको सब साइड में करते हैं, चलते हैं अंदर बॉक्स में और हमें क्या मिलता है। तो जी है इसका डिवाइस, अभी रखते हैं इसको। और दोस्तों जी मिलता है हमें इसके अंदर 100 वॉट का एक फास्ट चार्जर, सुपर बूट चार्जर 100 वॉट वाला। तो दोस्तों वन प्लस के डिवाइस में हमें यही बात अच्छी लगती है कि वन प्लस हमें चार्जर साथ में देता है। दोस्तों जी है इसकी डाटा केबल, जो कि दोस्तों USB Type-C टू Micro USB है, देखिए। तो ये टाइप सी केबल है दोस्तों, फास्ट केबल है और फास्ट चार्जर है 100 वॉट का। तो दोस्तों आपने देखा होगा और ब्रांड जो होती हैं, वो ना तो हमें कवर देती हैं, ना ही चार्जर देती हैं, और ना ही दोस्तों फ़ोन के ऊपर कोई प्रोटेक्शन देती हैं, जैसे गिलास वगैरह या टेम्पर ग्लास जो भी। बट दोस्तों वन प्लस के दोस्तों हमें जो डिवाइस मिल रहा है, इसमें देखिए आपको चार्जर भी मिल रहा है, कवर भी मिल रहा है, और प्लस दोस्तों इसके ऊपर एक फिल्म जो होती है प्रोटेक्टर वाली, वो भी लग के आई है। तो ये आपको आपका कुछ दिन के लिए इससे काम चल जाएगा, जब तक आप मार्केट में इस पर कवर वगैरह नहीं लगवाते तब तक आप इसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की। तो दोस्तों इसमें हमें मिलती है 6.7 इंच की एक फुल HD सुपर AMOLED डिस्प्ले, जिसमें दोस्तों आपको फुल HD से थोड़ा ऊपर का रेजोल्यूशन मिलता है। इसमें बैक की बात करूं दोस्तों, इसमें हमें मिलता है ग्लास, फ्रंट में दोस्तों हमें मिलती है प्रोटेक्शन ड्रैगन टेल वाली, जिसमें दोस्तों आपको स्क्रैच वगैरह का भी कम आएंगे डिस्प्ले पर। और दोस्तों जो साइड है इसके, इस फ़ोन के जो साइड दिए गए हैं, जो दोस्तों दिए गए हैं प्लास्टिक के, तो यही थोड़ी सी इसमें एक दिक्कत है। बाकी दोस्तों फ्रंट और बैक दोनों तरफ ग्लास दिया गया है, और देखने में काफ़ी प्रीमियम फील होता है ये फ़ोन। और इसके कैमरे के बम्पर में भी दोस्तों आपको ड्रैगन टेल वाली प्रोटेक्शन दी गई है, तो आपको इसके ऊपर भी स्क्रैच काफ़ी कम आएंगे, फिर भी दोस्तों आप इसे प्रोटेक्शन लगा के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए इसमें हमें यहाँ पर पावर बटन मिलता है, इस साइड दोस्तों वॉल्यूम अप डाउन बटन मिलती है, और ये दोस्तों इसका अलर्ट स्लाइडर, जो कि दोस्तों आपको वन प्लस के डिवाइस में काफ़ी देखने को मिलता है, और आपको आईफोन में भी देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा होता है, जैसे आप अपने फ़ोन को साइलेंट, वाइब्रेशन मोड या फिर रिंग मोड पर कर सकते हो ऊपर से ही। चलिए पहले दोस्तों इसको मैं ओपन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों इसको मैंने सेटअप कर दिया था, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इसके कैमरे की बात करूँ मैं, तो इसमें हमें पीछे 3 कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का,
दूसरा है दोस्तों 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, और तीसरा दोस्तों कैमरा है इसका टेलीफोटो का दोस्तों। इसका 3 कैमरे का सेटअप है, और जो 50 मेगापिक्सल वाला कैमरा है वो दोस्तों सोनी के सेंसर के साथ, जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी अच्छी पिक्चर देखने को मिलेंगी। इसके फ्रंट में दोस्तों आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का एक फ्रंट सेल्फी कैमरा, जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी पिक्चर मिल जाती हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फ़ोटो के मामले में, वीडियोग्राफी के मामले में। और दोस्तों इसमें हमें एक अच्छी लगती है, देखिए जब आप इसको साइड इस तरह से करते हो, देखिए तो दोस्तों जो कर्व चीज़ दी गई है इसमें, कर्व डिस्प्ले जो है, तो मुझे देखने में काफ़ी अच्छी लगती है इस तरीके से। देखिए आप देख रहे होंगे, आपको विजिबल हो रहा होगा। इसमें आपको मिलता है दोस्तों, प्रोसेसर की बात करूँ तो स्नैपड्रैगन का 8 Gen 1 प्रोसेसर, जो कि दोस्तों काफ़ी फास्ट है, आप इसमें गेमिंग वगैरह आसानी से कर सकते हो। और आपकी बैटरी लाइफ की बात करूँ इसमें, तो आपको 100 वॉट का चार्जर मिलता है। प्लेट दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, आपका ये डिवाइस 0 से 100% तक 25 से 30 मिनट के अंदर हो जाता है, तो काफ़ी फास्ट है। और दोस्तों बैटरी भी इसकी समथिंग 1 दिन से ऊपर निकल जाती है, अगर आपका नॉर्मल यूज है तो। अगर आप फास्ट दोस्तों यूज करते हो, काफ़ी ज़्यादा फ़ोन को यूज करते हो, गेमिंग वगैरह ज़्यादा करते हो, तो आपको इसमें 7 से 7.5 घंटे का बैट स्क्रीन टाइम मिल जाएगा, तो ये भी अच्छी बात है। इसमें दोस्तों प्रोसेसर की बात करूँ दोस्तों, एंड्रॉयड की बात करूँ तो इसमें मिलता है दोस्तों हमें एंड्रॉयड 13, जो दोस्तों आपको मिलता है कलर OS 13 के ऊपर, तो काफ़ी अच्छा दोस्तों डिवाइस है। प्रोटेक्शन दोस्तों इसके अंदर दी गई है, कैमरे भी अच्छे हैं, डिस्प्ले भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, आपको बेजल साइड से काफ़ी ऊपर से साइड से काफ़ी कम दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें दोस्तों बेजल काफ़ी हो, बेजल काफ़ी कम है, साइड से तो बिल्कुल यही नहीं है क्योंकि कर्व डिस्प्ले दी गई है, और ऊपर नीचे से भी दोस्तों काफ़ी कम है, ना के बराबर। और देखने में दोस्तों फ़ोन काफ़ी पतला लगता है, काफ़ी प्रीमियम फील देता है, क्योंकि इसमें पीछे ग्लास दिया गया है। दोस्तों आप इस फ़ोन को लेना चाहते हो तो आप अमेजन से या फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, आपको ये अंडर 40,000 के अंदर ही अंदर मिल जाएगा। बट दोस्तों अगर मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप इसको कैश में लेना चाहते हो, कैश पेमेंट करना चाहते हो, तो आप इस डिवाइस को अपनी लोकल मार्केट में आके पहले ट्राई करो, क्योंकि लोकल मार्केट में दोस्तों कोई सा भी फ़ोन हो, चाहे वो आईफोन हो, वन प्लस हो, सैमसंग हो, कोई भी हो, आपको ऑनलाइन से कुछ ना कुछ सस्ता मिल ही जाता है। जब आप कैश पेमेंट दे ही रहे हो तो आप अपने एक बार मार्केट में आकर ट्राई करो, क्योंकि मार्केट में आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों ऑनलाइन देखने को नहीं मिलता। ऑनलाइन आपको तभी मिलता है जब कोई ऑफर वगैरह चलते हैं, बट मार्केट में आपको कभी भी चले वो आपको ऑनलाइन से कमी प्राइस में देखने को मिल जाता है। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको पेमेंट कैश करना है, तभी आपको ऑफर में दोस्तों मिलेगा। अभी जो इसकी प्राइस चल रही है ऑनलाइन वो है दोस्तों 40,000 रुपये, कहीं कहीं ये कभी कभी 39 का ही मिल जाता है, बट दोस्तों मैंने इसको सिर्फ लिया है 38,000 रुपये का कैश पेमेंट करके, ना ही कोई बैंक ऑफर, ना ही कोई कार्ड, मैंने ऐसे ही कैश पेमेंट किया और 38,000 रुपये का मुझे मिल गया दोस्तों, 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, और प्लस मुझे ये फ़ोन तुरंत के तुरंत मिल गया। अगर आप ऑनलाइन मंगाते तो आपको 1,000-1,200 रुपये एक्स्ट्रा भी जाते, प्लस 1-2 दिन का टाइम भी लगता, और ये मैंने वहाँ से चेक करके भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं थी। दोस्तों आपको फ़ोन कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना, और आपका अगर कोई सवाल है इस डिवाइस को लेके जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।